हेलो एवरीवन, एएमयू बीटेक 2022 का फॉर्म लिस्ट 1 आ चुका है स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि सीए कैटेगरी में, सी कैटेगरी में, या फिर जनरल और ओबीसी कैटेगरी में, या फिर एससी कैटेगरी में कितनी वेटिंग क्लियर हुई है, और लास्ट स्टूडेंट को जो वेटिंग क्लियर हुई है उसको कौन सा ब्रांच मिला है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि एएमयू बीटेक में टोटल 10 ब्रांच है, और इसमें से जो लोवेस्ट कट ऑफ जाती है वो फूड टेक्नोलॉजी की जाती है। तो स्टूडेंट, हम चेक करने जा रहे हैं कि फूड टेक्नोलॉजी में कैटेगरी वाइज कितनी वेटिंग क्लियर हुई है। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें, ठीक है स्टूडेंट। जैसे ही फॉर्म लिस्ट सेकंड आएगी हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो अब इसमें चेक करते हैं कि फॉर्म लिस्ट 1 में कैटेगरी वाइज कितनी वेटिंग क्लियर हुई है। मैंने एनालिसिस करके इसमें आपको बहुत सारे डेटा ऐड किया है, आपको मैं दिखाता हूँ अभी। जो लोवेस्ट कट ऑफ गई है स्टूडेंट वो फूड टेक्नोलॉजी की गई है, और बाकी उससे ऊपर कट ऑफ गई है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं जो फूड टेक्नोलॉजी है वो C177, इनकी जनरल वेटिंग है और कोई स्पेशल कैटेगरी से नहीं है। आप थोड़ा और नीचे जाएंगे तो आपको 209 वेटिंग मिलेगी फूड टेक्नोलॉजी, और ये जनरल वेटिंग है, इनकी कोई स्पेशल कैटेगरी नहीं है। उसके बाद कुछ और वेटिंग है जो बहुत हाई वेटिंग है, लेकिन उनका स्पेशल कैटेगरी भी है। तो अगर हम बात करें कि जनरल में कितनी वेटिंग क्लियर हुई है, तो आप देख सकते हैं फॉर्म लिस्ट 1 में एएमयू बीटेक 2022 में 209 वेटिंग क्लियर हुई है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें स्पेशल कैटेगरी में, तो बीसी कैटेगरी में आप देख सकते हैं 119 बीसी 119 हैज लिखा हुआ है, इनकी वेटिंग क्लियर हो गई है। आप देख सकते हैं इनका 550 वेटिंग भी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे होंगे, जाकर के चेक किए होंगे, मेरे पास कमेंट भी कर रहे थे कि 550 वेटिंग है, उनको मिल गया हमें नहीं मिला। तो स्टूडेंट, उनका स्पेशल कैटेगरी में भी है और 119 वेटिंग है, आप देख सकते हैं 119 बीसी कैटेगरी में। उसके बाद बीसी कैटेगरी में 119 वेटिंग क्लियर हुई है। आप देख सकते हैं जो सीए कैटेगरी है उसमें 81 वेटिंग क्लियर हुई है, और इनका जनरल में भी चांस मेमो है 625। बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि 625 देख करके, लेकिन उनका स्पेशल कैटेगरी में भी है सीए 81 वेटिंग। तो स्टूडेंट, अगर हम बात करें जनरल में 209 वेटिंग क्लियर हो चुकी है एएमयू बीटेक फॉर्म लिस्ट 1 में, बीसी कैटेगरी में 119 वेटिंग क्लियर हुई है, और उनका जनरल में भी है 550, लेकिन उनको बीसी से मिला है, ठीक है। सीए कैटेगरी में 81 है, इनका वेटिंग में भी है 625, लेकिन सीए से इनको मिला है 81 से, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं सीई कैटेगरी में 44 वेटिंग है, और इनका 716 जनरल में भी है। तो अगर देखा जाए सीई कैटेगरी में 44 वेटिंग क्लियर हो चुकी है, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट जो कट ऑफ था कैटेगरी वाइज। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एससी कैटेगरी में 16 वेटिंग क्लियर हुई है, फूड टेक्नोलॉजी जिनको मिला है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये कैटेगरी वाइज कट ऑफ था। अब नेक्स्ट फॉर्म लिस्ट आता है, उसके बारे में देखते हैं कितनी वेटिंग क्लियर हो जाएगी, और हमें पूरा उम्मीद है कि हो सकता है 400 वेटिंग तक नेक्स्ट फॉर्म लिस्ट में क्लियर हो सकती है। और नेक्स्ट फॉर्म लिस्ट आएगी उसके साथ में ब्रांच अपग्रेडेशन लिस्ट भी आएगी। फॉर एग्जांपल, किसी स्टूडेंट को अगर इसमें केमिकल मिला है तो हो सकता है नेक्स्ट में मैकेनिकल या सिविल भी मिल सकता है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।